नमस्कार। आज के इस सत्र में आज का हमारा टॉपिक जो है, जैसे कि आप सभी, हम डेली अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस या रिपीटेड एबॉर्शंस, और उसमें आयुर्वेदा किस प्रकार से केस हैंडल करे। जैसे आज डॉक्टर संपदा जी की एक केस थी और उन्होंने काफी अच्छे से ट्रीटमेंट भी दी थी, बट स्टिल सक्सेस नहीं मिला, और इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करते हैं। रिपीटेड एबॉर्शंस कई बार ऐसे होता है कि कुछ महिलाओं में ये देखा जाता है प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर। आयुर्वेद में तो इसको पुत्रग्नि योनि व्यापद कहा गया है, या लाइक एक प्रकार से जिनमें वात की दुष्टि मानी या वात प्रकोप के कारण बार बार गर्भपात होना। सो बार बार गर्भपात या जो भी कारण या किसी भी कारण से रिपीटेडली किसी महिला में गर्भाशय जो कि गर्भ का धारण पोषण पालन करता है, गर्भ का निर्माण करता है, गर्भधारणा में मदद करता है, यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। ऋतु क्षेत्र बीज अंबु क्या कारण है, हम लोग ऊपर ऊपर सोचते रहते हैं या कुछ अलग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कुछ कभी बहुत बार ऐसे भी होता है कि कुछ कारण भी रूल आउट नहीं होते हैं, और कारण रूल आउट नहीं होते हैं तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे विचार किया जाए। बट निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो जैसे मैंने पिछले कुछ हफ्तों पहले गर्भाशय शोधन पर काम करने को बोला था, या गर्भाशय शोधन की इंपॉर्टेंस को लेकर मैंने बताया था कि किस प्रकार से गर्भाशय शोधन इंपॉर्टेंट है, गर्भाशय शोधन कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। कहीं ना कहीं आपको ये विचार जरूर करना पड़ेगा कि गर्भाशय को आपको मजबूत बनाना है, और जब आप गर्भाशय को मजबूत बनाएंगे, आप ऋतु क्षेत्र भी जम्बू पर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप गर्भधारणा के लिए शरीर को तैयार करेगा। रिपीटेड अबॉर्शन में होता यह है कि एक गर्भाशय को आदत लग जाती, आप लूज मोशन का विचार, अतिसार की संप्राप्ति देखिए, ओमिटिंग की संप्राप्ति देखिए, सभी में क्या है, अतियोग है। एक हो गया मोशन दो बार तीन बार, तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन की बढ़ जाती है और वो रिपीटेडली डायरिया लगा रहता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट कम करते हैं बाय गिविंग सम टाइप ऑफ जो भी हमको औषधि मेडिसिन देते हैं। ओमिटिंग में भी वही होता है, एक बार ओमिटिंग हो गई तो फिर ऐसे बोलते कि नहीं अभी दो तीन घंटे चार घंटे छह घंटे एक दिन कुछ मत खाओ, पचेगा नहीं या डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके उस अवयव की टेंडेंसी बन गई है टुवर्ड्स अतियोग। अभी अतियोग के क्या हेतु है इन पर जरूर विचार करें। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि गर्भाशय को भी स्टेबल बनाइए, माता के मन के भावों को स्टेबल बनाइए, और सभी भावों पर काम कर ही हम इस प्रकार के पुत्रग्नि योनि व्यापद या रिपीटेड अबॉर्शंस के केस पे बड़े अच्छे से आयुर्वेद काम करता है। कई बार टॉर्च है या जो भी इन्फेक्शियस डिसीजेस के कारण, बट आज मैं टॉर्च पर नहीं बोलूंगी क्योंकि टॉर्च पर तो हम लोग अलग से बार बार बोलते रहते हैं, बट आप जरूर बाकी सभी कारणों का विचार करिएगा, और ये कारणों का विचार कर कर ही हमें सोचना है प्रेगनेंसी लॉसेस क्यों हो रहे हैं, हैबिचुअल एबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं, क्या इसका कारण क्या है, और इन सभी कारणों का या इसके टाइप्स अलग अलग बताए गए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी इसके जो कारण बताए गए उसमें क्या लॉसेस के कारण क्या है, एंड रिपीटेडली ऐसा क्यों हो रहा है। सो ये पैटर्नल कॉजेस है, मैटर्नल कॉजेस है, फीटल कॉजेस है, वॉट एवर, या क्रोमोजोम की एबनॉर्मलिटी है, वॉट एवर, बिकॉज क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज आर ऑल्सो मच मोर कॉमन इन मेनी ऑफ द 50% ऑफ केसेस में ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का कारण होता है। सो बिल्कुल इसी प्रकार से अगर एक एक हो गया मिसकैरेज, इट्स ओके, दूसरी बार हो गया, सो निश्चित रूप से दूसरी बार होने के बाद आपको इन्वेस्टिगेशंस के साथ ही चलना है,
और बिल्कुल आप इसमें जरूर इन्वेस्टिगेशंस करिए, दूसरी बार हो गया तो जो भी हेतु आपको लग रहा है आप फिर रूटीन से बीसी करें, हार्मोन प्रोफाइल करें और यूएसजी करवाए, यूरिन एग्जामिनेशन करिएगा, एमआरआई की जरूरत लगती है, या पूरी टोटल फैमिली हिस्ट्री लीजिएगा। और बिल्कुल अच्छे से ये हो जाने के बाद या ऑटोइम्यून डिसीज को भी रूल आउट करिएगा, एनाटॉमिकल कुछ टेस्टिंग है, HSC वगैरह होता है, एक्सरे होता है, उसको आप जांच करिएगा। कभी कभी क्लॉटिंग फैक्टर भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग स्टडीज भी करनी होती है और क्रोमोजिन टेस्टिंग बहुत ही ज्यादा है, जरूरी बन जाता है। कभी कभी सिंपल सा शुगर को भी हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते, अगर एल्डरली प्राइमरी है या एल्डरली पेशेंट में रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो वहां पे आपको डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस या इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, या वो भी आप जरूर अपने जो ये है इसमें आप जरूर इसको डालिएगा। इसमें कई बार जैसे मैंने इसके ऊपर भी बहुत बार पढ़ाया भी, यूट्राइन एनामलीज भी कुछ होती है जिसके कारण और जिसके तहत रिपीटेड अबॉर्शन का जो परसेंटेज है वो 15% है। जैसे यूट्राइन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होते हैं, कंजेनाइटल होते हैं, कभी कभी सेप्टेट यूट्रस होता है, यानी जो ये होना चाहिए ना वो नहीं होता है, डिवाइड होना चाहिए वो नहीं होता है, डबल यूट्रस होता है, या कभी कभी एंडोक्राइनल इश्यूज भी होते हैं, और एटो इम्यून डिसीज की तो लंबी सी लिस्ट है। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी, यानी एक्सपोजर टू केमिकल्स, ड्रग्स, सर्टन टाइप ऑफ एक्सरेज, इन सभी वर्क रिलेटेड, या पेशेंट को कुछ आदतें, गलत आदतें है क्या, स्मोकिंग की आदतें है क्या, ओबेसिटी है क्या, इस सभी को देखते हुए आपको पेशेंट को इनकरेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दो प्रेगनेंसी लॉसेस हो जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर गैप देना बहुत ज्यादा, यानी गैप देना इन द सेंस की आप पेशेंट को बोलिए कि नहीं अभी आपको 6 महीने 1 साल का पूरा यहाँ पर गैप देना है। और इसी प्रकार से क्योंकि आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत चरक सभी ने यही बताया है, और ये पुत्रग्नि योनि व्यापद के रूप से बताया है जिसमें कि पित्त की दृष्टि, देखिए पित्त का जो प्रकोप होगा, पित्त के प्रकोप के साथ रक्त की दृष्टि, और यही जाकर के जो भी गर्भ बना है इस गर्भ को निकाल देने में प्रयास में लगेंगे और गर्भ पूरी तरीके से फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं। आचार्य हरित ने भी वंध्या का वर्णन करते हुए इस वंध्या को गर्भस्रावी वंध्या के नाम से बताया, यानी दैट इज द लेडी विच रिमेन्स वंध्या ड्यू टू रिकरेंट गर्भस्राव और फिटल लॉसेस। जो महिला गर्भधारणा के बाद भी वंध्या कहलाती है, क्यों कहलाती है, बिकॉज उसमें स्त्राव हो रहा है, बिकॉज उसमें गर्भ ठहरता ही नहीं। और ऐसे कई सारे केसेस मामले हमारे सामने आते हैं, आप उसमें पूरी अच्छे से हिस्ट्री लीजिएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, अष्टविध परीक्षा, और जो मैंने सारे भाव बताए हैं आपको उन सभी भावों को भी जरूर विचार करेगा ऋतु क्षेत्र बल, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा अभी मैं जैसे कुछ केसेस भी अगर बताना चाहूं तो बिल्कुल इसी प्रकार से एक केस मैंने देखी थी और उसमें भी वही था, लाइक हाइट वेट प्रॉपर था, बीपी नॉर्मल था उसका, एंड उसको करीब करीब 3 से 4 उसके एबॉर्शन हो चुके थे, मतलब 4 मिस्ड एबॉर्शन हो चुके थे, और फिर बाद में वो आई थी, वैसे तो खास कोई हिस्ट्री नहीं मिली थी बट कारण पता नहीं चल रहा था, बट मुझे बाद में हेतु और हिस्ट्री लेने के बाद ऐसे लगा कि इसमें वात प्रकोपक हेतु का ज्यादा सेवन था, जैसे कि रात्रि का जागरण है, थोड़ा श्रम अधिक करती थी, चिंता, ये भी हेतु मिला। और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में टॉर्च तो नहीं था बट रुबेला जो था वो मतलब माइल्ड रिएक्टिव था, माइल्ड पॉजिटिव था, और बस उसी से हमने उसको ट्रीटमेंट देना ये किया। और इसमें जैसे रुबेला अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे पित्त प्रकोपक ही सारे हेतु मिल जाते थे, तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया। पहले तो मैंने इसमें गुमैम्ल की चूर्ण दिया था, 2 चम्मच दिया था गर्म पानी के साथ, जैसे गुमैम्ल की ये तिक्त रस की है और काफी अच्छे से तिक्त कषाय रस के साथ ये अच्छे से जो रक्त शोधन का काम करती है पित्त का भी शमन करती है। इसी के साथ टॉर्चनिल भी चलाई थी क्योंकि ये जो इन्फेक्शन था इसके लिए, और आरोग्यवर्धिनी दिया था, ये दीपन पाचन, आरोग्यवर्धिनी, गुमैम्ल की चूर्ण, ये सारा चलाया था 15 दिन के लिए। फिर उसके मेंसेस आने के बाद में 3 दिन का पंचगव्य घृत का स्नेहपान किया था, एंड देन विरेचन किया था तिलघृत अवलेह से, विरेचन
के बाद संसर्जन क्रम किया, दूसरा महीना चला गया तो हमने आम पाचन का विचार किया, फिर हमने विरेचन दिया यहाँ पर। नेक्स्ट तीसरे महीने में मैंने स्टार्ट किया था इसमें बला तेल का पीचू और चंदन बला लक्षादी 101 कैप्सूल 2 BD दिया था। इसी के साथ साथ उसको पुनर्नवा, शतावरी, अश्वगंधा और थोड़ा जो एक उसके अंदर चिंता के भाव थे उनको कंट्रोल करने के लिए ब्राह्मी डाल दी थी इसमें। ब्राह्मी, पुनर्नवा, अश्वगंधा, शतावरी, इन सभी का क्षीरपाक उसको दिन में 2 बार बोला था। एक प्रकार से वात का शमन भी हो जाना चाहिए, पित्त का भी शमन हो जाता है इसके साथ और गर्भाशय को भी बल मिल जाता है। गर्भाशय बल के लिए पीचू तो बहुत ही अच्छा था, बला तेल का पीचू बहुत ही अच्छे से काम करता था। और इसी के साथ साथ 10 दिन की चंद्रप्रभा वटी दी थी जो कि ओवरऑल गर्भाशय को भी बल दे, ओवरऑल पथ्य पथ के मार्ग के लिए भी अच्छा होता है। ये हमने उस तीसरे महीने में स्टार्ट किया था। चौथे महीने में इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर हमने गर्भस्थापक, प्रजा स्थापन करने वाले द्रव्यों को चुना। और ऐसे में जैसे कि इसका जो काम बहुत अच्छे से करने वाले जो ड्रग है पुत्रजीवक और शिवलिंगी बीज था, और बिल्कुल इसी प्रकार से पुत्रजीवक, शिवलिंगी बीज ये दोनों सवेरे, फिर पीछू तो चल रहा था। यहाँ पर मैंने अभी जो शतावरी की बात की थी तो शतावरी ये एक प्रकार से एंटी अबॉर्टिफिशियंट भी मानी गई है और एक स्पेसिफिक जो काम करती है वो भी इसके साथ बहुत अच्छे से होता है। शिवलिंगी पुत्र जीवक दोनों भी शीतवीर्य है और इनका जो प्रभाव है ये प्रभाव है पुत्र प्रद प्रभाव इनका माना जाता है और अच्छे से सूजन कम करता है। एथ्रोडोसिक भी है शिवलिंगी बीज। इसके साथ साथ प्रजा स्थापन वटी 2 BD दी थी, ये कंप्लीट उसको मैंने 21 दिन आफ्टर मेंसेस दिया था। चौथे महीने की ट्रीटमेंट में बता रही हूँ। पांचवे महीने में भी इसी को कंट्रोल किया। अभी यहाँ पर बला तेल का पीचू हटाकर फलग्रुत का पीचू और फलग्रुत का पान स्टार्ट किया था। देखिए पांचवे महीने में हम लोग आ गए तो कोई गड़बड़ कोई यहाँ पे हमें नहीं करना है, एकदम आराम से शांति से आपको ये करना है पीचू। और इस महीने में जैसे हमने फलग्रुत का पीचू दिया था और फलग्रुत प्राण दिया था बट मात्रा बस्ती स्टार्ट की, वो भी जैसे अनुवासन दीजिएगा आप या फिर मात्रा बस्ती 60 ml बला तेल की। तो ओवरऑल मैंने सारे द्रव्यों का चुनाव जैसे किया उसको ध्यान रखिए। शुरुआत हमने की थी तिक्त कषाय रस से जो कि आम पाचन और जो भी भाव है या जंतुघ्न कार्य करने वाले द्रव्य, उष्ण थोड़े से जैसे अभूमि अम्ल की है, लघु है, वृक्ष है, कषाय गुण वाली है। और बिल्कुल आचार्य भाव मिश्र इसके बारे में बताते हैं कि ये रक्त दोष पर बहुत अच्छे से काम करती है। यहाँ पर रक्त दोष की ही दृष्टि मानकर हमने पुत्रग्नि को ट्रीट करना है। और इसी प्रकार से हमने शुरुआत की थी, थोड़ा सा हमने गर्भाशय को बल दिया, स्टेबिलिटी डेवलप करी, गर्भाशय में स्थिरीकरण किया। पिचू डालने से मेंटली भी वो स्टेबल हो गई, जो रजसिक भाव थे, हेतु थे, इन सभी हेतुओं पर भी काम किया, उसको बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल का पूरा लिख कर दिया जिसमें खान पान तिक्त कषाय रस अवॉइड करना, मधुर रस, दूध का पीना, मक्खन का खाना। उसके पति को भी डाइट चेंजेस करवाए थे जिसमें उसको थोड़ी सी आदत थी, टोबैको वगैरह खाता था, वो भी उसको बोलकर बंद करवा कर हमने इस प्रकार से उसमें काम किया था। इसी प्रकार से आपको जो यहाँ पर रिपीटेड एबॉर्शन में काम करना है वो इसी प्रकार से सोच कर करिएगा। इसमें मैंने आपको जो बताया था ना हार्मोन ऐसे जरूर देखिए, ब्लड क्लॉटिंग का भी बड़ा रोल रहता है, वो भी देखिएगा। जहां अभी अलग अलग कारण होते तो अलग अलग कारणों को ट्रीट करना पड़ेगा। अभी टॉर्च पॉजिटिव है तो टॉर्च को काम करिएगा, कृमि कोई लगता है तो कृमिघ्न चिकित्सा भी करिएगा, बीज दृष्टि लग रही है, क्रोमोजोमल डिफेक्ट लग रहा है तो पूरा शोधन करिएगा। केवल विरेचन से काम नहीं चलेगा, वहां पर पहले महीने में विरेचन, नेक्स्ट महीने में बस्ती, फिर थर्ड महीने में पीचू, फिर मात्रा बस्ती, ऐसे करते करते आपको वहां पर काम करना है। बट डेफिनेटली इसमें अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है उसको भी रूल आउट करें, ये हम वात दृष्टि मानकर चलेंगे और इसके लिए भी बस्ती बहुत अच्छा काम करेगी। सो कारण तो आपको 50 कारण मिलेंगे, जेनेटिक, इम्यूनिटिक, वट एवर कारण, रक्त दृष्टि, पित्त दृष्टि, वात प्रकोप, अपान क्षेत्रपा आघात है, जो भी कारण है। बट बिल्कुल ये हमें वात दोष, पित्त दोष, सभी दोषों को देखकर ही इसमें काम करना है और
बिल्कुल ऐसे ही द्रव्यों को चुनेंगे जो कि इस प्रकार से दो सभी प्रकार से अच्छे से काम करें। अभी जहां पर मैंने ओबेसिटी वगैरह भी एक कारण बताया था, वहां पर आपको पहले तो थोड़ा मेदा धातु पर काम करना होगा, मेद क्षय या लाइक उद्वर्तन विरेचन, इसमें फिर नवक गुगुल त्रिफल गुगुल गुरुचि घनवटी ऐसे काम कराकर, जो थोड़ा सा हम उसको एक्सरसाइज है प्रॉपर गाइडेंस देकर आप बस्ती भी दे सकते हैं वजन कम करने में। विरेचन से भी 3-4 किलो तो विरेचन में ही वजन कम हो जाएगा, ये आप करके फिर उसको धीरे धीरे गर्भस्थापन, गर्भाशय का बल, फिर गर्भस्थिरीकरण, गर्भा धारणा, इन सभी के ऊपर काम। एक बार आपने गर्भस्थापना करवा दी तो उसी महीने में आपको ऐड करना है गर्भस्थिरीकरण के द्रव्य। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र दुष्टि है, यूट्रस की रिसेप्टिविटी कम हो गई है, जो भी कारण है। तो विरेचन करें, बस्ती करें, जिसके साथ गर्भस्थापक द्रव्यों का प्रयोग करें। फिर आगे जैसे मासानुमासिक कषाय का प्रयोग तो करते रहना है कंटिन्यूली, आप जितने जितना उसको ये करें। कभी कभी कुछ फाइब्रॉइड्स की समस्या होती है, यहाँ पे आपको लेखन द्रव्यों का चुनाव करना पड़ता है। व्हाट एवर द कार, जो भी कॉजेस है, उन सभी का विचार कर कर ही रिपीटेड अबॉर्शन में आपको काम करना है। बिल्कुल, बट मेरे विचार से विरेचन और कृमिघ्न चिकित्सा जरूर करना पड़ेगा। इसमें मेंस्ट्रुएशन प्रॉपर लाने के लिए आप शतपुष्पा इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके नीरोबस्ती भी दे सकते हैं, शतपुष्पा तेल का पीचू दिया जा सकता है। जो भी कारण अलाइनमेंट, धातु क्षय का कारण मिला तो पहले धातु बल बढ़ाइएगा, फिर जाकर गर्भधारणा करवाइएगा। पेशेंट बहुत ही वात प्रकोपित है तो पहले वातों को स्टेबल बनाइएगा, फिर जाकर आगे का प्लान करिए। बट प्लान तो यही रहेगा ओवरऑल जो मैं बता रही हूँ, कि पहले विरेचन, अनुलोमन, बस्ती, गर्भस्थापना में मदद, फिर गर्भाशय को बल बढ़ाना। पहले तो गर्भाशय का ही यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, शुद्धि करेंगे, वात स्थान योनि, ऐसे काम विचार करके आपको पूरी तरह से पेशेंट को सात्विक बनाकर इसमें विचार करना है। और बाकी आप जैसे बल्य जीवनीय मधुर रसायन द्रव्यों का प्रयोग करके इसमें काम कर सकते हैं। स्थिरीकरण, पहले दीपन पाचन फिर स्थिरीकरण, ऐसे काम करिएगा। यष्टि मधु घृत ब्रोथ कंटकारी लघु कंटकारी, ये भी काफी अच्छे से काम करते हैं पेशेंट के, इसमें बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, वो भी आप जरूर इसमें करिएगा। सो इस प्रकार से रिपीटेड एबॉर्शन के केसेस में हमें विचार करना होता है। तो मुझे लगता है संपदा जी आपके केस के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए, ताकि हम लोग इस पर विचार कर सके कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। मैडम बोलिए। पेशेंट, हाँ पेशेंट टॉर्च पॉजिटिव थे। हाँ अच्छा, तो उसके लिए ऑलरेडी बिफोर कंसेप्शन शोधन और टॉर्च नील वगैरह दिया था, और अच्छा रहने और प्रेगनेंसी रहने के बाद गर्भपाल रस, मासानुमासिक और फलग्रुत और लघु मालिनी वसंत बताया था आपने, लघु अच्छा मालिनी वसंत अच्छा और मॉडर्न के भी दिए थे मेंटेन वगैरह टेबलेट। अच्छा अच्छा तो क्या आपको दिक्कत लगी? 10 वीक्स के बाद हार्ट अब्सेंट, मिस अच्छा एबॉर्शन रिपोर्ट। मैम, कि तो कौन सा, मतलब कि कौन सा था ये अबॉर्शन, कितने हुए थे इसके पहले? अभी ये पेशेंट का सेकंड था, और पहले भी एक पेशेंट का थ्री थ्री एबॉर्शन थे, मिस एबॉर्शन। एज क्या है? अभी इस पेशेंट की 28 थी, और पहला पेशेंट वो 35 एज का था। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है पूछिए मंदाकिनी जी, आपके हिसाब से क्या कारण है? मुझे पूछ रहे हैं मैडम, हाँ, आपको क्या लगता है कि क्यों ये छूट गया के हिसाब से? पेशेंट का वेट गेन नहीं हो रहा था, सभी अच्छा खाना, अच्छा कंप्लीट बेड रेस्ट, अच्छे ड्रग्स, सभी भी एज सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा था पेशेंट। मैं वात प्रकोप, और वात दूसरा कोई प्रकोप कारण? था, बिल्कुल। हाँ वात प्रकोप था, अच्छा, और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस नॉर्मल था।
नॉर्मल था। नॉर्मल था। बिफोर थ्री मंथ्स, बिफोर कंसेप्शन थ्री मंथ्स मैडम बाकी ड्रग दिए थे वो, शिवलिंगी पुत्रंजी भी। अच्छा गर्भ मैम आपने शोधन कुछ करवाया था कि नहीं इस केस में? हाँ किया था, वो पूछा था अच्छा। आपसे। हाँ हाँ लेकिन विरेचन नहीं, ओनली बस्ती के थे, दीपन पाचन एंड बस्ती। अच्छा ओके। बस बस्ती मात्रा बस्ती या निरु अनुवासन? निरु अनुवासन योग बस्ती है, फिर मात्रा बस्ती। अच्छा वो ओके। केस और ये भी था लीन पीसीओडी ऐसा भी था, टॉर्च पॉजिटिव भी था, और मिस्ड एबॉर्शन, प्रीवियस मिस्ड एबॉर्शन ऐसा था। अभी कितने दिन हो गए उनको होकर? अभी हाँ मतलब कब हुआ एबॉर्शन? अभी 3-4 महीने हो गए। पालेकर सर का लेक्चर लिया था ना, उस वक्त बताया था वो कंटिन्यू वही पेशेंट। अप्रैल महीने में आपने पालेकर सर का लेक्चर लिया था, टॉर्शनिल सुजात। हाँ। 3 महीने हो गए उसको मिस्ड एबॉर्शन, अच्छा वो नहीं आया फिर, अभी नहीं आया फिर। अभी पेशेंट कंसीव करना चाहती है? नहीं वो विजिट नहीं किया उसके बाद उसने। पेशेंट ही नहीं आया? अच्छा हाँ ओके। क्या करें विचार बोलिए सभी लोग। डॉक्टर ज्योति जी, डॉक्टर हर्षा जी, क्या विचार है आपका? मैडम, हार्ट हे होऊ नये त्यासाठी हृदयासाठी काही मेडिसिन अशी देत आहेत का? प्रेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर साठी हो मैडम देता येतात ना बिल्कुल। इसके लिए ना हम लोग स्थिति प्रजा स्थापन गण का सिद्ध क्षीर पाक या प्रजा स्थापन गण की वटी और फलवृत का पान, फलवृत का पीचू, बला, ऐसे सारे जो रसायन वाले द्रव्य है ना उनका काफी अच्छा काम होता है। कार्डियक एक्टिविटी के लिए बोल रहे हैं ना आप, डेवलप करने के लिए। हाँ, अर्जुन क्षीरपाक नहीं। यस अर्जुन क्षीरपाक भी दे सकते हैं डेली देने का बला वगैरह। यस। मात्रावस्ती कितने टाइम देने? मात्रावस्ती एक ही टाइम देने का 60 नहीं नहीं ml कि ये वीकली, वीकली 2 टाइम या 3 टाइम या डेली? नहीं मैम वीकली 5 डेज दे सकते हैं ना। वीकली 5 डेज। यस बला तेल का? यस बला तेल का बहुत अच्छा रहेगा। बला तेल का दीजिएगा, बला अश्वगंधा का भी दे सकते हैं एंड ये भी दे सकते हैं। एंड आफ्टर कंसेप्शन? आफ्टर कंसेप्शन ही जो है ना, जैसे कार्डियक एक्टिविटी अच्छी आपको लग रहा है, अभी अभी रचना जी भी बताती है, जैसे आपको लग रहा है कि ग्रोथ आई, पेशेंट मतलब डॉक्टर बता चुके हैं कि भाई इतनी ग्रोथ नहीं लग रही, तो आप उस समय भी फलवृत का पान और प्रजा स्थापन, बेड रेस्ट, छिद्धक चिरपाक, ये सभी के साथ भी कार्डियक एक्टिविटी डेवलप हो चुकी है काफी सारे केसेस में। 8 वीक्स तक हार्ट बीट थे, आफ्टर 8 वीक्स, 10 वीक्स, 8 वीक्स को यूएसजी किया, ऑल वाज वेल, एंड 10 वीक्स मिस्ड एबॉर्शन ऐसा यूएसजी रिपोर्ट था। पीवी स्पॉटिंग कंप्लेंट किया पेशेंट ने, 1 स्पॉट पीवी, यूएसजी किया तो कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट। रचना जी बोलिए मैम। नमस्ते रचना, डॉक्टर रचना, काफी दिनों के बाद आपका भी अनुभव रहता है इसमें, बताइए। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में तो सबसे पहले तो मतलब अगर आप पंचकर्म पूरा करवा के ही कंसीव करवाएं पेशेंट को तो वो बेस्ट रहता है। तो उसमें फिर मतलब मैंने ये देखा है कि ज्यादातर केसेस में जैसे और सारे पंचकर्म के साथ मैं रक्त मोक्षण जरूर करवाती हूँ मैं उससे, क्योंकि वेल से वेद से तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब मेरे पास एक जो सबसे डिफिकल्ट केस था उसमें 6 अबॉर्शंस थे उसको, उसके अच्छा बाद फिर वो कंसीव हुई और अच्छे से उसकी डिलीवरी हुई पूरी।
तो इस तरह का। और आप क्या ड्रग्स प्रिफर क्या करती है, मतलब आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या सोचती है आप, वो बताइए। मैम, मैं एक तो पहले तो मैं ये वमन से स्टार्ट करती हूँ। अगर पेशेंट ओबेज है तो वमन जरूर करवाती हूँ उसको, और अगर नहीं है, ओबेज बहुत लीन एंड थीन है, तो फिर वमन अवॉइड कर देती हूँ। लेकिन विरेचन और रक्त मोक्षण मस्ट है। उसके बाद में मस्त है, मैम इनको, हाँ जी मैम, पहले मैं सचरादी तेल से बस्ती देती हूँ, मतलब जैसे महीने में 20 से 25 दिन तक मात्रा बस्ती। और उसके बाद जब, अच्छा। जैसे बता रहे हैं ना, बाद में फिर ये रसायन द्रव्य उसके बाद, तो उसमें मैं तो मैम शीर पा के प्रेफर करती हूँ। मैंने शायद पहले भी बता रखा है आपको, मैं बला अश्वगंधा शतावरी का शीर पाक ये देती हूँ हमेशा पेशेंट को, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है डेवलपमेंट में फिटल, और साथ में फलघृत। हेलो, आप उत्तर बस्ती में कराते हो मैम? हाँ, मैम कराती हूँ उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती फल, अगर केवल रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, कोई और रीजन नहीं, तो फिर फलग्रस से ही, क्योंकि फलग्रस से जो है हमारी एंडोमेट्रियम है वो थोड़ी अच्छी मजबूत हो जाती है। मींस अगर इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम्स हैं कहीं पर भी, तो उसमें फलग्रस की उत्तर बस्ती बहुत अच्छे से वर्क करती है। लेकिन हमें, मतलब ओके जो मैम, मैं जैसे सोचती हूँ, अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, तो अगर वो क्रोमोसोमल लेवल पर है, तो वहां पर पंचकर्म यस करवाना ही पड़ेगा आपको, उसके yes. बिना नहीं काम कई चलता। बार ना अननोन ही कॉज रह जाता है, ये तो ज्यादा अनुभव मैम, रहता है ना, अननोन कॉज ही तो ज्यादा रह जाता हाँ, उसमें मैम यही वर्क करता है, पंचकर्म वर्क करता है, और साथ में पार्टनर को भी, मेल जो पार्टनर है उसको भी विरेचन एटलीस्ट देना चाहिए। है। बिल्कुल, ये बात भी सही है सच में, क्योंकि क्योंकि कई मतलब, बार वो छूट जाता है ना, हम लोग पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं देते, और मैं मतलब ज्यादा ये तो हमारा इसी पर रहता है। मैम एक्चुअली इसमें यही है ना कि हमारे आयुर्वेद में ही ये फैसिलिटी है कि हम बीज शुद्धि कर सकते हैं, क्रोमोसोमल लेवल पर जाकर के उसको एनहेंस कर सकते हैं चीजों को, तो वो वही इसके थ्रू ही, पंचकर्म के थ्रू करके, और फिर उसके बाद अगर हमें आगे रसायन द्रव्य देने हैं, तो फिर वो तो हम प्रेगनेंसी के समय, मतलब कंसेप्शन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं शीर पाक वगैरह, और मैं और करती कार्डियक हूँ। एक्टिविटी पर आप क्या विचार करती है, कैसे विचार करती है? मैम कार्डिक एक्टिविटी के लिए ऐसा तो खैर आ ही जाती है अगर हम ये देते रहते हैं उसमें। हम एक तो पहले तो जो ये मास अनुमास कषाय आते हैं, तो जब पेशेंट आपके पास आ रहा है, जब आप उसको कंसीव करने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ भाई इस महीने आप प्लान करना, तो मासानुमास 1 उसका चलना चाहिए, जो प्रथम मास के जो कषाय होते हैं वो चलने चाहिए। ऐसे ही मतलब सेकेंड मास के, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, मतलब उसमें ज्यादातर बिल्कुल ये होती ही नहीं है प्रॉब्लम, और अगर फिर भी हो रही है तो मैम एक काश्मीरी जो होती है गंभारी, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। उसका घृत या मतलब उसका चून का वो बना के, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यस। एक्चुअली अर्जुन का भी अच्छा रहता ही है, हम लोग अर्जुन अश्वगंधा ब्राह्मी वगैरह डालकर भी दे सकते हैं। जी, ये तो मैम मैं देती हूँ अश्वगंधा, बला और शतावरी, ये तो मैं देती ही हूँ हर पेशेंट को, मतलब जिनको जिसको इस तरह की प्रॉब्लम होती है उनको मैं देती हूँ, ये कैसा है और ये ना, फलघृत के साथ। ये सिंपल भी है, और ये मतलब आप थे एकदम अच्छे रेमेडी है ये पूरी। जी, और मैम शीर पाक के रूप में ही देती हूँ, मतलब इनको और किसी तरह नहीं, चूर्ण में या हाँ बिल्कुल। टेबलेट में नहीं देती, शीर पाक में ही देती हूँ। और मैम इसमें कुष्मांड अवले भी मैंने अच्छा देखा है ना, पेशेंट अच्छा लगता है पेशेंट को कुष्मांड का ना, एक मेध्य के रूप में भी है, तो नर्वस सिस्टम को भी ये काम करने में मदद करता है। सो कुष्मांड का भी हाँ अच्छा रोल रहता है, सो यू कैन गो विथ कुष्मांड अवले। और ये कुष्मांड ना कार्डियक एक्टिविटी के लिए भी अच्छा है, कार्डियक जी, मैंने एक्टिविटी के लिए तो क्षीरपा का और बला फलग्रुत भी काफी सुंदर काम करेगा। मैम फलग्रत के साथ, जैसे मैं देती हूँ, जो मेरा मेथड है देने का, वो मैं शीरपाक बनवा के उसी में डलवा देती हूँ, फलग्रत डाल के उसी में पीने को बोलती हूँ उसको, तो वो यस पेशेंट एक ही बार में ले भी लेता है, उसके लिए कन्वीनियंट हो बिल्कुल जाता है यस। और और रिजल्ट हमें मिल जाते हैं एब्सॉर्प्शन फिर। भी बहुत अच्छा होता है ना, एब्सॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है, अगर हाँ आप घृत और दूध जी मिलाकर दे रहे तो काम भी अच्छा होगा, मैम, हाँ तो जी, सभी मायने में वो तो बेस्ट ही रहेगा। तो वो मैम हर तरह से वर्क करता है, मीन्स अगर फीटल ग्रोथ ना हो रही हो मतलब अच्छे से, तो भी काम करता है। अगर इम्प्लांटेशन में दिक्कत हो, मतलब अगर जो वामिनी योनि व्यापत करके होता है कि पहले ही 15 दिन में ही अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है ये। अच्छा, कार्डियक एक्टिविटी के लिए डॉक्टर अर्चना बताती है कि
महानारायण ऑयल 10 days 25 ml, क्या प्राशन के लिए बोल रहे मैम या बस्ती के लिए बोल रहे डॉक्टर अर्चना? माधुरी जी नमस्ते, बहुत दिनों की बात, बोलिए। नमस्ते मैम। हाँ मैम, बोलिए। पर्सनल रीजन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, अच्छा है ना सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। हाँ यस मैम। बस्ती के रूप में 25 ml ही देना, ओके मैम। 10 दिन के लिए 25 ml। देखिए संपदा जी, कार्डियक एक्टिविटी के लिए महानारायण तेल बता रही है डॉक्टर अर्चना, बस्ती के रूप में। आज कितने 8 हफ्ते, कितने दिन कंसीव होने के बाद, कितने दिन के बाद? बोलिए मैम। आफ्टर कंसेप्शन कितने दिन के बाद महानारायण तेल? आफ्टर कंसेप्शन देना है मैम, कब देना है? आप कब स्टार्ट करने को बोल रहे डॉक्टर अर्चना? महानारायण ऑयल कब स्टार्ट करेंगे? यस, कब स्टार्ट करेंगे? मैम आपका भी कुछ अनुभव तो बताएं। माधुरी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में क्या विचार करें, अबॉर्शन में क्या विचार? एक्चुअली ये बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, मैंने अननोन कॉज पर ही ज्यादा इसमें ये करना है, क्योंकि टॉर्च होता है तो हम लोग टॉर्च के साथ चलते हैं, जो भी कारण मिल जाता है, बट कई बार कारण मिलता ही नहीं, तब बड़ी समस्या बन जाती है कि हाउ टू गो विद टाइम, कैसे प्लान करें। अभी जैसे संपदा जी बता रही, बट संपदा जी आपके केस में तो टॉर्च पॉजिटिव था ना? हाँ था, लेकिन टॉर्च का ट्रीटमेंट पूरा दिया था, पहले ही दिया था, बिफोर कंसेप्शन। टॉर्च नेगेटिव आने के बाद ही आपने ये किया ना? हाँ हाँ। बट क्या होता है ना मैम, कई बार तो पेशेंट की इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है, और कभी कभी टॉर्च के साथ भी पेशेंट चल देता है, ऐसे भी देखा जाता है। अभी ये तो डिपेंड करता है पेशेंट की आयु, मनोबल, शारीरिक बल, सभी भावों पर भी ये डिपेंड करेगा। और रचना जी आपका वो केस के बारे में अभी क्या हाल है, क्योंकि अभी ये महीने में क्या कर रही है आप, उसके उसको लेकर बताइए। मैम इस उस पेशेंट को मैंने इस महीने तो रेस्ट ही दिया था, और उसको बस्ती चल रही थी चंदन बला लाख शादी की, मैंने पीरियड तो उसका ठीक से आ गया, और उसके बाद मैंने अभी उसको सहस्त्रनादी की बीच में स्टार्ट करी है, फिर मैं कन्वर्ट कर दूंगी, फिर से उस पर ले लूंगी। मुझे लग रहा है वो पेशेंट ठीक है, मतलब ऐसा कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब अगले महीने में फिर से उसको स्टार्ट करूंगी। 1 महीने का मैंने बीच में ब्रेक कर दिया उसका। अच्छा ठीक है, वो तो अच्छा किया आपने, बट इस बीच महीने में या फिर अगर थोड़ा सा एक शुद्धि के दृष्टिकोण से चंद्र प्रभा आरोग्य वर्धिनी भी दे देती तो भी चल जाता था ना ये 15 दिन का। मेडिसिन में तो मैम मैंने उसको अभी वैसे उसको थोड़ा सा अग्निमान जैसा भी हो रहा था, तो मैंने उसको अभी और थोड़ा सा उसको वो भी है, मतलब जैसे आमवाद जैसे लक्षण भी है पेशेंट को, तो अभी मैंने उसको और ओबेस भी है पेशेंट, तो मैंने चित्रकादी बट्टी उसको दे दी थी दीपन पाचन के लिए। अच्छा, तो अभी ही आके वो गई है पेशेंट, तो अभी उसको ठीक है वो पेशेंट, इतना ही मैंने अभी करा, बस नहीं ये दी थी मेन उसको दवाओं में, और कुछ तो नहीं दिया था खाने के लिए। अच्छा, जीवंती ग्रोथ करके भी एक डॉक्टर ने सजेशन दिया है मुकेश जी ने, ओके। जीवंती ग्रोथ तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वो तो एकदम बेस्ट रहेगा। मैम ये उधर मिल जाता है जीवंती ग्रोथ, हमारे साइड तो नहीं मिलता? नहीं मिलता यहाँ पे, कैसे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है ना, मतलब इसके बहुत सारे फार्मेसी वाले हैं, तो वो मैम यहाँ पे यूपी में प्रैक्टिस ही बहुत कम लोग करते हैं आयुर्वेद की, मतलब वैसे थोड़ा सा फर्क तो है ही। हाँ जी मैम, पतंजलि का तो मिल जाएगा आपको आराम से, पतंजलि के प्रोडक्ट्स हर जगह पर मिल जाते हैं ना, और अमेजोन पर है मैम, अमेजोन पर है ये। अच्छा अच्छा ठीक है, जीवंती ग्रोथ आपको मिलेगा अमेजोन पर, आजकल बहुत ज्यादा सब कुछ मिल जाता है वैसे, और पतंजलि भी सारी कुछ बनाती है जी। हेलो मैम। यस यस बोलिए मैम, ये मुझे पूछना था सद्य मन के लिए क्या किया जा सकता है बताइए रचना। एक तो मुझे लगता है एष्टी मधु का फांट
या फिर गर्म पानी हाँ लवण। मैम, मैं यष्टि मधु का फांटी देती हूँ उसको, मैं एक रात पहले थोड़ा सा ये उड़द की खिचड़ी भिगोकर, दही और घी के साथ खिला देती हूँ, और मॉर्निंग में उसको आकंठ दुग्धपान पहले करा देती हूँ, फिर 15-20 मिनट का रेस्ट देके उसको जैसे ही मधु यष्टि पान पिलाते हैं ना, उसको वॉमिटिंग हो जाती है, इजिली हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, कितना देते मैम यष्टि फंड? मैम मैं 2 लीटर तक बनाती हूँ, और उसमें जितना वो पेशेंट मतलब जितना पी सकता है उतना पी ले। मेन ये है कि मैम जब वो अकंठ बिल्कुल वो उसका पान हो जाता है ना, तो फिर ही वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, नहीं तो फिर नहीं होती। अगर थोड़ा कम देंगे तो फिर नहीं होती। बट इसमें थोड़ा सा मदन फल तो डालना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मदन फल, सेंधा और यष्टि का काढ़ा बनाकर और थोड़ा सा शहद डाल देते हैं हम लोग। मैम इसका एक और ये तरीका है फिर, कि जैसे मदन फल पिपली को आप यष्टि मधु के काढ़े में रात भर भिगो दीजिए, फिर हाँ उसको छान लीजिए। मतलब मदन फल पिपली पेशेंट को नहीं देनी है, चूर्ण उसको जो आपने यष्टि मधु का जो बनाया है काढ़ा जैसा बना लीजिए, यष्टि मधु का फांट नहीं, और उसमें वो मदन फल पिपली रात भर भिगा के रख दीजिए उसी में, अच्छा, और सुबह उसको छान के दे सकते हैं। लेकिन मैम ये और प्लेन कुछ लोग हो जाता है, मतलब अगर मतलब सद्य बचा चूर्ण मधु का काफी अच्छा रहता है मैम। वो मैम जब मैं वैसे देती हूँ क्लासिकल, तब उसमें मदन फल, बच्चा, शहद, सैंधव ये सब मिक्स करके पूरा देती हूँ। हाँ, डॉक्टर मुकेश जी ने हाँ डाला है बचा चूर्ण, एक्चुअली अच्छा रहता है ना, ये बचा का पूरा जो कार्य है बहुत अच्छे से होता है, और बचा से थोड़ा सा स्टिम्युलेशन भी मिल जाता है, जी और कफ का बहुत अच्छे से अनुलोमन हो जाता है नवाचार के साथ, क्योंकि वचा खास करके इस पर काम करती है, पित्तवर्धन करने वाली है ना, उष्ण है और लघु भी है, तिक्त रस वाली है, तो लेखन का भी काम करेगी, और जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है उसके लिए भी काफी अच्छा रहता है इसका रो। सो रचना मैम, आपने क्या बताया था सद्यवामन के लिए, जो वो यष्टि फांड आप रात को भिगा के रख देते हो क्या? हाँ मैम मैं रात में ही भिगो देती हूँ यष्टि मधु चूर्ण, कितना यष्टि लेते 10-15 ग्राम हैं? तक भिगोती हूँ उसको, मैम 3 चम्मच तक, 15 ग्राम तक लेती हूँ, और अच्छा, दो और लीटर पानी दो पानी में लीटर उसको गर्म पानी में भिगो देती हूँ रात में। जी, अच्छा, और फिर मैम सुबह उसको गर्म करना रहता है मैम कि नहीं? गुनगुना बस थोड़ा ल्यूक वार्म कर लीजिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा रात भर में। हाँ, और अगर अगर अच्छा। आप मतलब वैसे तो मैम इसी से हो जाता है, लेकिन अगर ऐसा कोई पेशेंट है कि आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आप उसी में थोड़ी मदन फूल पिपली भी रात में ही डाल दीजिए। अच्छा, नहीं तो मैंने जो कराए हैं सत्यवर्मन वो सिर्फ इससे भी हो जाते हैं, यष्टि मधु फांट से भी हो जाते हैं सिर्फ। और अच्छा, बाद और आज में मैं उसके बाद में थोड़ा सा ये सैंधव सैंधव का जल भी दे देती हूँ, जिससे कि अच्छे से क्लीन हो जाए स्टमक, मतलब कुछ रह ना जाने, शोधन अच्छे से हो मतलब जाए। वो सैंधव जल कब यष्टि पांड पिलाने के बाद? मैम जब वॉमिटिंग हो जाती है ना उसको, कुछ मतलब वेग आ जाते हैं, तो उसके बाद में एक दो बार अच्छा, सैंधव जल से जैसे एक तरह से पूरा औषधि है, जो भी कफ रह जाए चिपका हुआ वो सब बाहर आ जाए, उसके लिए देती हूँ मैं ओह बाद में 1-2 गिलास। कुटले है लगे एक लक्ष्मी दो। कुटले। अच्छा मैम, वो सैंधव जल मतलब 1 गिलास पानी में कितना डालते हो सैंधव? मैम थोड़ा ही मतलब ऐसे आधा स्पून तक, अंदाज हाफ हाँ स्पून आधा तक स्पून जी। गरम पानी में ना? हाँ मैम हाँ, बस वो सिंपल इसलिए है कि अच्छा, जो भी कुछ भी कफ जो चिपका रह गया हो अगर थोड़ा बहुत, तो वो भी निकल जाए। मैम होता है ओके। कि ना सर्दगर्मा हम उन्हीं लोगों में कराते हैं जिनमें पहले से ही कफ उत्प्लेषित होता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत हाँ करनी नहीं हाँ पड़ती है, वो हो हाँ जाता है। ओके। और टाइमिंग क्या रखते हो आप, सुबह कितने बजे कब तक कराते मैं हो? कोशिश करती हूँ कि 8 8 से मतलब 10 के बीच में हो जाए, 6 से 8 तो नहीं हो पाता है क्लिनिक में, लेकिन 8 से 10 के बीच में कोशिश करती हूँ कि पेशेंट का 8 बजे स्टार्ट कर दूँ मैं प्रोसेस। अच्छा, हाँ, और मैं ओके। विरेचन के पेशेंट भी 10 से 12 के बीच में लेती हूँ, मैं टाइमिंग का थोड़ा रखती हूँ ध्यान, अगर मतलब पेशेंट लेट ना करे तो हो जाता है। ओके, और आपने क्या बताया था, रात को उड़द की दाल की खिचड़ी प्लस बिल्कुल दही प्लस घी? हाँ मैम, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच काले तिल भी भून के डाल सकते हैं, तो ये सब कफ उत्क्लेशित करते हैं। सुबह अगर पेशेंट को भूख लगती है, वो दूर से आ रहा है खा के आना चाहता है, तो कुछ खीर या कुछ ऐसा खा भी सकता है, मतलब जिससे भी कफ अच्छा, उत्क्लेशित हो वैसी चीजें, मीठा कुछ या ऐसा दही वही ओके। खा सकता है। और ये दुग्धपान के लिए गाय का ही दूध लेते हैं क्या? हाँ ओके मैम नहीं गाय का ही दूध। ओके।
और दुग्धपान खत्म होने के बाद भी तुरंत ही दे देना यष्टिफान, जैसे ही वो मैं अखंड पंद्रह दुग्धपान बीस खत्म मिनट हो। 15-20 मिनट का रेस्ट देती हूँ मैं थोड़ा सा। कई बार ओके कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको पूरा दूध पीने के बाद खुद से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो होने देती हूँ, फिर उसके बाद में एस्टी मधु और देके रह गया हुआ करवा देती हूँ, ऐसे करती हूँ। कुछ पेशेंट ऐसे, जैसे ओके फीमेल पेशेंट ज्यादातर ऐसे होते हैं, उनको 2 लीटर अगर दूध पिला दो तो वो वैसे ही वॉमिट करने लगते हैं। एक ओके ना okay. मैंने एक वैद्य जी को ये भी देखा था ना, अर्क पत्र का भी वो देते थे, अर्क पर्णी करके जो द्रव्य आता है ना, तो उसका भी वो एम्प्टी स्टमक काढ़ा देते थे, और अच्छा होता है उससे भी ना, सद्य वमन के लिए बहुत अच्छा माना गया है वो भी। मैम ये अर्कपत्र यही जो अपना मदार अर्थ यही यस 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 अर्क अर्क हाँ बोलते हैं ना उसको, अर्क वो हाँ 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 भी है जी अच्छा, एक्चुअली हम लोग डालते रहते हैं, बट ये भी आप ना इसका बला बनाकर अच्छे से लाइक 480 ml तक बनाकर रखिएगा काढ़ा, और सद्योमन करवा दीजिएगा, ये बहुत अच्छा श्रीलंका और बाकी इधर ना ये चलता है, इसमें पूर्व कर्म या स्नेहपान का कुछ इतना ये नहीं रहता है। हाँ मैम, इसमें और फिर बाद में 3 दिन का 5 दिन का करिएगा आप, मैम मैं 5 दिन का करवाती हूँ, उसके बाद और फिर फॉलो धूम मतलब वर्ती, धूम वर्ती भी कंसल्टेंट देती है क्या आप मैम, धूम वर्ती का प्रयोग करती है क्या रचना? मैम। सद्य वमन में तो नहीं करती हूँ मैं, अगर बाकी तो करते हैं। मतलब पेशेंट को वैसे तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है, मतलब अभी तक तो नहीं हुई किसी पेशेंट में टच फुट, तो ऐसा कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, पेशेंट आराम से चला जाता है घर, और फिर 6-5 दिन का उसको संसर्जन क्रम जरूर फॉलो करवाती हूँ मैं। बिल्कुल मैम बिल्कुल, सद्य वमन मतलब में भी संसर्जन क्रम मैं करवा देती हूँ। पेशेंट क्या करता है, अगर उसको ना बोलो ना तो वो घर जाके फिर वैसे ही शुरू कर देता है पहले जैसे ही, तो 5 दिन का उसको लिख के दे दो, तो उससे एक तो पेशेंट को बहुत अच्छे से दीपन पाचन भी उसी से हो जाता है, बढ़िया लंगन हो जाता है ना उसमें, तो अच्छे से उसका अग्नि वग्नि प्रदीप्त हो जाती है फिर, तो मैं करवा देती हूँ उसका। कोई मतलब वैसे कोई मुझे नहीं पता कि उसका क्या है क्लासिकल वे में, क्योंकि सद्य वमन तो सद्य वमन में ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करवाती हूँ, उससे पेशेंट को अच्छा फायदा होता है। तो जो अपना नॉर्मल वमन का संसर्जन क्रम है वही करवाते हो आप 5 दिन? हाँ मैम हाँ 5 दिन अच्छा मतलब जो पूरा पूरा जो नॉर्मल डाइट है वो 5 दिन के 5 दिन में ही आती है फिर उसकी, और मैं उसको पाँच प्रॉपर लिख के देती हूँ कि कैसे पेया बनानी है, कैसे पिलेपी बनानी है, मतलब 14 गुना जल या 6 गुना जल में जैसे पका के उस तरह का पूरा बना के देती हूँ, तो वैसे ही उसको दिलवाती हूँ मैं। और फिर कृत और अकृत भी आता है बाद में, छोंक वाली खिचड़ी इस तरह से करके, फिर लास्ट में जाकर के आधा पेट भोजन और फिर पूरा पेट भोजन, ऐसे करके लास्ट में जाती हूँ मैं, 5 दिन में ही कंप्लीट करवा देती हूँ। अच्छा ओके ओके मैम जनरली मैं इसके लिए करवाती हूँ ना, इनफर्टिलिटी जो मैंने अभी बताया था कि अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है और अननोन रीजन है तो मैं करवाती ही हूँ ये, और अच्छा बस पेशेंट बहुत लीन एंड थिन ना हो, अगर बहुत लीन थिन है तो फिर नहीं कराती मैं वमन, लेकिन अगर अच्छा थोड़ा सा भी ओबेज है या ठीक ठाक वेट का है तो मैं करवाती हूँ वमन, फिर विरेचन और रक्तमोक्षण भी। हाँ, वो रक्त मोक्षण तो कराना ही चाहिए। मैंने जी वो जी रामदास अवर सर का भी लेक्चर सुना था, तो वो बोल रहे थे कि सब लोग जनरली बीच शुद्धि में सब करा देते हैं, बट रक्त मोक्षण रहने देते तो फिर वो प्रॉब्लम आती है बाद में, क्योंकि कई पेशेंट्स मैम को चिकन पॉक्स हुआ रहता है, तो वो जी रक्त जी शुद्धि होना मैम जरूरी हाँ रहता है उसके लिए, रक्त यही मेरी मोक्षण फिर फ्रेंड है, आवेश और से जो भी। टॉर्च जी मैम टॉर्च पॉजिटिव है जो, उसमें भी रक्त मोक्षण का बहुत अच्छा रोल है, अगर टॉर्च पॉजिटिव हाँ है तो आप ये तो देंगे ही, टॉर्च नील और परिपाठादि क्वाथ वगैरह पित्तशामक औषधियां ये सब तो देने ही है, साथ में रक्त मोक्षण बहुत अच्छा वर्क करता है। मैम, कितने ml तक निकालते हो आप? मैम मैं 50 से 100 के बीच में कुछ भी, पेशेंट का जैसा वेल होता है, 50 से कम तो नहीं, 50 तो मिनिमम है। अच्छा, इससे ही अपने स्काल्प पेन सेट से ही? हाँ मैम उससे, या फिर एक्चुअली होता है कि स्कैल्प पेन में कभी कभी ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो मैं क्या क्लॉट हो करती हूँ जाता है। हाँ जो ये हमारा हाँ ड्रिप सेट होता है ना, जो ड्रिप सेट आता है ड्रिप जिससे सेट, ग्लूकोज लगाते हैं ये लोग हाँ अच्छा, है ना, ड्रिप हाँ सेट जो होता है जो ग्लूकोज की बोतल में ड्रिप लगाते हैं, हाँ वो ड्रिप सेट को कट करके उसमें जो निडल होती है वो मोटी होती है, लगभग 18 नंबर निडल जैसी होती है, उससे मैं वेन में प्रिक करती हूँ, और वो उसकी करीब ये मान के चलिए 10-12 इंच की पाइप छोड़ देती हूँ साथ में, और बस उसी से हो जाता है मेरा। अच्छा,
उसमें पाइप भी लगी हुई रहती है निडल के साथ, हाँ मैम, नहीं तो फिर हम फिर कलेक्ट उसके बाद। कैसे करेंगे अगर डायरेक्ट नीडल्स लगा दें। हाँ, नहीं मैंने एक कहीं ऐसे देखा है, वो लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं, सिर्फ मतलब निडल लगा देते हैं और उसके नीचे ही कुछ रख देते हैं डायरेक्ट निडल के मैम नीचे। उसमें तो पेशेंट को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, ऐसे पेशेंट को पूरा लिटा दिया मैंने, नीडल लगाई और वो से ड्रिप जो थोड़ा सा पाइप पाइप बहुत लंबा नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो क्लॉट करने लगता है, दूर ज्यादा हो जाता है हाँ तो थोड़ा सा पाइप अच्छा बस 8-10 इंच तक का, 8-10 इंच का ऐसे छोड़िए कि वो आपके किसी बॉटल या कलेक्ट। ओके okay। रचना मैम म्यूट हो गया आपका। हेलो हाँ, आवाज आ रही है अभी। जी मैम, मैं देखती हूँ अगर मैं अभी जब करूंगी ना तो एक इसका वीडियो बना दूंगी, रक्तमोक्षण का वीडियो हाँ यस मैम बना के ग्रुप में भेज दूंगी। ओके। मैम यस रचना जी, करिए इतना आप, वीडियो करिए, अच्छा रहेगा है हाँ ना, मैम मैं अच्छे भेज रहे। दूंगी। ओ क्या, आज की चर्चा अच्छी रही, मुझे लगता है आज अच्छा डिस्कशन हुआ, सभी लोग आए थे तो अच्छा लगता है। और कुछ संपदा जी आपका सवाल? मैडम यष्टि मधु भिगो के रखते हो, उसमें मदन फल पिपली कितनी कितनी डालने का? मैम मदन फल पिपली का तो जो साष्टोक्त प्रमाण बताया गया है वो अंतर नपुंसक प्रमाण बताया गया है, तो वो मतलब ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्राम पहुंचता है, तो 10 ग्राम के आसपास मैं लेती हूँ। मतलब मैं हर मशीन का नापती तो नहीं हूँ लेकिन एक मतलब यूनिवर्सल में 10 ग्राम ले लेती हूँ। 5 से 10 ग्राम के बीच में ले सकते हैं वैसे। दोनों मिला के या हर ड्रग? नहीं मैम अकेले मदन फल की मतलब बात कर रहे हैं, अकेले मदन फल जैसे मैम ने बताया ना, मतलब 5 से 10 के बीच में ही लीजिए, हो जाता है क्योंकि जो हमारा उसमें बुक में है चरक में है वो अंतर नख मुष्टि प्रमाण है, तो वो जब आप लेंगी तो वो उतने ही बनता है, 10 ग्राम के आसपास ही बनता है, 10-12 ग्राम। और मैडम रक्त मोक्षण 1 महीना ही करती है या 3 मंथ्स करती मैम एक बार ही करती हूँ मैं एक्चुअली मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। वमन तो मैं जनरली सद्य कराती हूँ है? अगर कराती हूँ मैं, और विरेचन जब मैं कराती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि क्लासिकल कराऊँ घृतपान के साथ, तो उसमें मैं अगर ये वाला हमारा है इनफर्टिलिटी वाला पेशेंट है तो मैं उसमें शतावरी या फलघृत से ही घृतपान कराती हूँ, और जब उसका वो दिन आता है ना स्नेहन स्वेदन वाला पेशेंट का, 5 दिन के घृतपान के बाद 6ठे दिन जब पेशेंट स्नेहन स्वेदन करके, तो जब स्नेहन स्वेदन जिस दिन होता है उसी दिन मैं रक्त मोक्षण कर देती हूँ, तो हमें अलग ओके से रक्त मोक्षण के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। स्नेहन के बाद दूध स्वेदन के बाद रक्त मोक्षण करना भी उचित हो जाता है ना, बराबर है। हाँ मैम, मैम तो क्या होता है ना जैसे पेशेंट उस दिन स्नेहन स्वेदन करवाते ही है तो उसी दिन मैं रक्त मोक्षण कर देती हूँ, फिर 1 दिन का रेस्ट हमें देना ही है उसके बाद हमें विरेचन देना है, तो आप विन ऐसे करके मंत्र रक्त से ही मोक्षण करते हो इजिली रक्त हो जाता मोक्षण? है। तो विन मंत्र सेवेंथ से डे फिर ही कुछ नहीं कराते हो मैम? मैम 1 दिन मैं 5 दिन का घृतपान, 6th और 7th डे में स्नेहन स्वेदन, और उसके मतलब 2 दिन कराती हूँ मैं स्नेहन स्वेदन, फिर 1 दिन का ब्रेक और फिर अगले दिन उसको इससे विरेचन के लिए मतलब एट्थ मैं या तो आप डे कुछ नहीं करवाते फिर? 1 दिन एट्थ का मैम डे ब्रेक कुछ, अच्छा तो फिर और उस 9th डे दिन विरेचन रात करवाते हो? में 8th की नाइट में पित्त वर्धक आहार देते हैं, अच्छा और अगर पेशेंट नाश्ता लेना चाहे तो सुबह फिर कुछ पित्तवर्धक, और 10 बजे मतलब 9:30 9:30 बजे मैं उसको बुला लेती हूँ और स्टार्ट उसका 10 कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक आप क्या स्टार्ट कर कह दूँ रहे हो फिर। ना कि ना आपका पूरा जो प्रोसीजर है ना उसको अच्छे से ये करके थोड़ा डालिए ग्रुप पर ना, सभी के लिए भी हो जाएगा। जैसे मैम जैसे आवाज आप आपकी सद्य बहुत वमन का धीमी जो आ आपका रही है ना वो डाला। है मैम, हाँ सद्य शिल्पा वमन मैम का की बोल रही आवाज हूँ। बहुत स्लो। ये सद्य वमन वाला अच्छा ठीक है मैम, ठीक मैं डालती हूँ। यस मेरे पास पिक्चर्स तो बहुत हैं पिक्चर्स तो लेकिन बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वीडियो में बना लूंगी इस बार। हाँ बिल्कुल बना दीजिएगा जैसे ना जी सभी को जी अच्छा लगेगा। हाँ मैम, रक्त मोक्षण का भी बना लूंगी और उसका भी बना लूंगी। अच्छा रहेगा। सो आई थिंक चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। ओके okay? जी।